देखिए, ये नाम इंडिया हमें दिया गया है, ये एक अंग्रेजी नाम है। ये प्रभुत्व स्थापित करने की तकनीक है। आपको ये देखना चाहिए कि जब वो अफ्रीका से गुलामों को लाए तो बंदरगाह पर सबसे पहले उन्होंने अफ्रीकियों का नाम बदल दिया। कुकू, टुबू, नोनू, पुपो, कुछ ऐसे नाम रखे गए। अगर मैं आपको पद्मनाभन कहता हूं तो आप ऐसे खड़े होंगे, मैं आपको कुकू कहूं तो आप। पहली चीज होती है एक अर्थहीन नाम देना जिसका कोई, क्योंकि एक इंसान यादों से, इतिहास से, संस्कृति से बनता है। एक ऐसा नाम जिसका कोई सांस्कृतिक आधार नहीं है, एक ऐसा नाम जिसका कोई महत्व नहीं है, एक ऐसा नाम जो आपके अंदर गर्व पैदा नहीं करता, मैं आपको उस तरह का नाम दूंगा, क्योंकि ये प्रभुत्व स्थापित करने की तकनीक है। इस देश में 2-3 या शायद 5% लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, लेकिन देश का नाम अंग्रेजी में है। इसका अंग्रेजी न बोलने वाले किसी भारतीय के लिए कोई मतलब नहीं है। इंडिया, भारत has a power to it. भारत में एक शक्ति है, क्योंकि इसके दो पहलू हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो ध्वनि पैदा होती है। अर्थ सिर्फ मानसिक होता है, उसे आप अर्थ देते हैं, है ना? आया ना? अभी मैं कुछ बोलता हूं, ये सिर्फ एक ध्वनि है। अगर आप ये भाषा नहीं जानते तो ये सिर्फ एक ध्वनि है। अर्थ बस आपके दिमाग में बनता है। अर्थ का महत्व कम है, ध्वनि महत्वपूर्ण है। आप भारत का उच्चारण करके देखिए कि आपके अंदर कैसे स्पंदन पैदा होते हैं। आप इंडिया कहकर देखिए कि आपके अंदर कैसे स्पंदन पैदा होते हैं। 2 दिनों के लिए इसे अपना जप बना लीजिए। 1 दिन आप सिर्फ इंडिया 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 कहिए, अगले दिन बस भारत 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 कहिए। बस देखिए कि आपके सिस्टम के साथ क्या करता है, फिर आप तय कीजिए। इसे बहुत नजदीकी से देखकर ध्वनि और आकार के विज्ञान की गहरी समझ के साथ किया गया था। ध्वनि और आकार के विज्ञान से मेरा मतलब है, हर ध्वनि से एक आकार जुड़ा होता है। अगर आप किसी ध्वनि को एक ऑसिलोस्कोप में डालते हैं तो ये हमें एक विशेष पैटर्न देता है जो एक आकार है। तो हर ध्वनि में एक आकार निहित है, हर आकार में ध्वनि निहित है। तो किस तरह की ध्वनियों का मानव प्रणाली पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, उन्हें हमने मंत्र कहा। भारत एक मंत्र है। भारतम और भी बेहतर है, पर उत्तर में यह स्वीकार नहीं होगा, इसका अंत हटाना होगा। भारत शक्तिशाली है। भारतम महाभारतम गंगा नर्मद पुण्य तीर्थम सिंधु सरस्वती कावेरी जीवन कारण मूल तत्वम नदी राष्ट्रस्य महाअमृतम।